तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सभा में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया है। कौशाम्बी में 600 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर एक दलित सम्मेलन भी है, दलित महिलाएं भी इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं, उनसे भी संवाद करने का उनका कार्यक्रम है। और चूंकि कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहाँ की तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, इसलिए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए वो मंच पर संबोधित करने जा रहे हैं लोगों को, देखना दिलचस्प होगा, सुनना दिलचस्प होगा कि वो किन विषयों को अपने संबोधन का हिस्सा बनाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर। भारत माता की, क्यों भाई इतने सारे खिलाड़ी है, कौशाम्बी वालों की आवाज को क्या हो गया है? 24 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी मेरे साथ। तो लोग हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी खींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और यूपी के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी, आज जिनके बुलावे पर मैं यहाँ आया हूँ, हमारे सांसद महोदय आ गया भैया, अरे ताली बजाओ सांसद के लिए भाई। सोनकर जी जिन्होंने आज सारे खिलाड़ियों को एक मंच दिया है, खिलाड़ी सभी ताली बजाए सांसद सोनकर के लिए। मंच पर उपस्थित हमारे कद्दू चौहान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे संगठन मंत्री धर्मपाल जी, मंच पर बैठे हुए सारे राज्य सरकार के मंत्रीगण, और आज इतनी कड़ी धूप में जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं कौशाम्बी की पवित्र भूमि को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मां शीतला के चरणों में शीश झुकाकर भगवान बुद्ध और छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कौशाम्बी की महान वीरांगना स्वतंत्र सेनानी दुर्गा भाभी को भी आज मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने भगत सिंह के साथ रहकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया था। मित्रों, उन्हीं के नाम पर यूपी सरकार ने करेंटी पुल का नाम दुर्गा भाभी पुल रखा है। हम सब के लिए आज भी वो प्रेरणा स्रोत। मित्रों, आज यहाँ तो सुबह समन्वय है, वैसे तो तीन, एक मोदी जी ने हर सांसद को खेल महोत्सव करने की प्रेरणा दी है, हमारे सांसद ने बड़ी लगन और मेहनत से
युवाओं को खेलने का एक मंच एक कौशाम्बी युवक महोत्सव में दिया। इसके साथ साथ कौशाम्बी महोत्सव 1917 से 2017 से लगातार चल रहा है, आज इसका भी मौका है। और आज योगी जी ने एक जनपद के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा विकास के काम लोकार्पित किए हैं या इनकी शिला रखने का काम हुआ है। योगी जी के लिए जोर से एक बार को सामने वालों ताली बजाओ जरा। एक जनपद में 650 करोड़ से ज्यादा काम आज यहाँ पर होने जा रहे हैं। मित्रों, मैं यहाँ आया हूँ तब 16 जनपदों में से एक भगवान बुद्ध और महावीर के जमाने में 16 जनपद में से वस्त्र जनपद की राजधानी ये हमारा कौशाम्बी होता था, ऐसा कहते थे। क्षेत्र में बहुत बड़े जनपद थे, कई थे, सैन्य बहुत बड़े जनपदों के था, मगध जैसे जनपद का भी था, परंतु समृद्धि अगर कहीं थी तो ये अपनी कौशाम्बी के अंदर समृद्धि थी। वस्त्र प्रदेश सबसे समृद्ध माना जाता था। और इस कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक भी यहाँ आकर रहे, श्री राम भी यहाँ आकर रुके। ये महान जनपद की जनता को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ। माताओं भाई बहनों, आप बहुत समय से यहाँ बैठे हैं, मगर मैं युवाओं के लिए जरूर कुछ बात कहना चाहता हूँ। हमारे सांसद ने जो सांसद खेलकूद स्पर्धा चालू की, इसमें लगभग 16,000 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन करकर खेलना पसंद किया है। एक बार युवाओं के लिए सारे लोग ताली बजाओ जरा एक बार जोर से। उनमें से 324 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है और खेलने वाले सभी लोगों को मैं मन से बधाई देता हूं। और आप लोगों को खेलना चालू रखे, ये मोदी जी का खेलो इंडिया का मंत्र ही स्फूर्त शरीर निरोगी शरीर और मजबूत मन बनाने का मूल मंत्र है। इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, ऐसा मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहता हूँ। विश्वास में यहाँ आया हूँ तब मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा करकर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर आज सपा बसपा कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 14 के बाद 17 के चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब आया तब रिकॉर्ड ब्रेक 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद उनमें इसका चुनाव आया, उसमें भी आपने सपा बसपा कांग्रेस सब एकत्रित थे, सबको हराकर फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 22 का चुनाव आया, योगी जी को फिर से आपने मुख्यमंत्री बनाया। अब यूपी वालों में पूछने आया हूं, अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा, जरा जोर से बोलिए क्या करेगा भाई। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ कौशाम्बी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देने वाले। मित्रों,
आज मैं यहाँ आया हूँ तब विपक्ष की भी बात करना चाहता हूँ। कल ही संसद समाप्त हुई, आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद को चलने नहीं, कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। तो ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को लाया। मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे, राहुल जी ने उनको रोका। अहमदाबाद सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है, इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर जोर करनी चाहिए क्या? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है, राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो, भारत में कहीं भी हो भाजपा वाले दो दो हाथ करने के लिए तैयार। हम नहीं लड़ते, हमें देश के बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से आप देश के लिए बुराई करते हो। किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते हैं? क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है? देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा इस बार फिर से एक बार 300 से 500 सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, प्रधानमंत्री जी ने देश को सुरक्षित किया, प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण में ढेर सारी योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री जी ने देश को समृद्ध किया, मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया। और एक कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी कब्र खुदेगी। मित्रों, मैं आज कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, जितनी जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमर को और मजबूत कर हिलाया है, और मजबूत कर। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवार बात की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण के 3 नासूरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा,
सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों को भी हराया और उन्होंने तुष्टिकरण को भी समाप्त किया और इसके कारण आप डरे हुए हो। मित्रों, यहाँ पर मैं जब उत्तर प्रदेश में आया हूँ तब उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। अभी अभी योगी जी ने बताया राज्य में एक्सप्रेस वे का बड़ा झाला घूमने का काम किया है और मोदी जी ने, क्योंकि वो भी कौशाम्बी वालों आपके नजदीक से वाराणसी से ही सांसद है, उन्होंने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में जमीन पर उतारी है कि आज उत्तर प्रदेश के घर घर के अंदर गरीबी का उन्मूलन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले उत्तर प्रदेश में 46 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाया गया। 1,75,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने दिया गया। 10 लाख से ज्यादा रेड़ी पट्टी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा दिया गया। स्वामित्व योजना से 35 लाख परिवारों को उनकी सड़क दे दी गई और 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 52,000 करोड़ रुपया देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2 साल से हर गरीब के घर में मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माताओं भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात, हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर जहां उनका जन्म बना था वही, मगर ये कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भड़का रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया और आप सब थोड़े समय में देख पाएंगे कि भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे, अयोध्या में मंदिर बनेगा। गोस्वामी वालों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, सारे के सारे 370 को संभाल कर रखे थे मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए हमारा। माताओं भाइयों बहनों, जब मैं कौशाम्बी आया हूं तब समग्र पूर्वांचल और बुंदेलखंड सभी मतदाताओं को अपील करने आया हूं कि 24 की लड़ाई में पूर्वांचल और बुंदेलखंड की हर सीट पर कमर फिराइए और मोदी जी को फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ पूर्वांचल वालों, कौशाम्बी वालों, बुंदेलखंड से आए हुए लोगों कमर फिराएंगे? जरा जोर से बोलो फिराएंगे? दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो फिराएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार हमारे सांसद महोदय को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और मेरे सामने बैठे हुए सारे खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।